हाय गाइस, अभी अपने चैनल में 40,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे, तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि अपन एक क्यू एंड ए वीडियो करेंगे बहुत जल्द ही, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉम्प्लेन आता है कि मैम आपको इतना कमेंट करते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते हो। वैसे मेरा मन था कि मैं एक लाइव करूँ, लेकिन लाइव अभी पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल थी क्योंकि कभी किया नहीं है, तो ऐसा लग रहा था कि कैसा बनेगा वीडियो। सो कभी और आई विल ट्राई कि मैं प्लान करूँ लाइव करने का। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर करने का ट्राई करूंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कमेंट से। पहला कमेंट है स्पेशल स्काई का, कॉन्गो, थैंक यू वेरी मच। आपका कमेंट रेगुलर आता रहता है, मुझे याद है, एंड थैंक यू वेरी मच। आप ही लोग हो मेरे सब्सक्राइबर्स एंड इट मीन्स अ लॉट, जितना प्यार आप लोग दे रहे हो। सेकंड कमेंट है सोनिका जांगीत का, कीप शाइनिंग, थैंक यू सोनिका। आपका कमेंट भी बहुत रेगुलर रहता है मेरे चैनल पे, मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो पे आपका एक कमेंट रहता ही रहता है। मैं नोटिस करती हूँ, आई डोंट नो मैंने कभी रिप्लाई किया है कि नहीं। मैंने शायद रिप्लाई किया भी है 2-3 बार, लेकिन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कमेंट है प्रफुल का, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू प्रफुल, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। दिव्या का है इसके बाद का कमेंट कि गोइंग टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू इन SBI HR ऑफिस फॉर रनिंग यूट्यूब चैनल एंड अर्निंग फ्रॉम इट। दिव्या प्लीज गो, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो आप प्लीज यहाँ के HR ऑफिस में जाइए एंड जाके कंप्लेन कीजिए। आप अपना वैल्यूबल टाइम मेरे लिए जाके निकाल के आप जाके कंप्लेन कर रहे हैं, सो इट मीन्स अ लॉट, एंड या प्लीज प्लीज गो। नेक्स्ट कॉमेंट है अपना ऋत्विक सियाल का, एक तुम ही हो जो एस्पिरेंट से ऑफिसर बन जाने के बाद भी लोगों को अच्छे से गाइड कर रही हो एंड उनके साथ बनी रही हो। थैंक यू ऋत्विक, थैंक यू वेरी मच। बट मैं SBI JEE में सेलेक्ट हुई थी, तो अभी तक मैं ऑफिसर तो नहीं बनी हूँ। मैं क्लैरिकल में सिलेक्ट हुई थी, बट आई रियली विश कि मैं जल्द ही ऑफिसर बन जाऊँ। हाँ, एस्पिरेंट की जर्नी मैंने पार कर दी है, एस्पिरेंट से आगे बढ़ गई हूँ मैं, एक सिलेक्शन ले ली हूँ, लेकिन आई रियली विश कि मैं जल्दी से ऑफिसर बन जाऊँ एंड इसी तरह आप लोगों को गाइड करती रहूँ। नेक्स्ट कॉमेंट है शरण्या कृष्ण गिरी, 3448, ओके, टेल अस, टेल अबाउट यू सिस, लाइक वेयर हैव यू डन योर स्कूलिंग, इंटर डिग्री ऑफ विच वन एग्जैक्टली, वेन हैव यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स, टेल अस एवरीथिंग अबाउट यू, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर सिबलिंग्स, एवरीथिंग। ओके, सो आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बालोद डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ, बालोद डिस्ट्रिक्ट से, एंड मेरा एक छोटा भाई है, मम्मी है, पापा है, हमारा एक बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो मेरे भाई का तो फ्यूचर वहीं सिक्योर है, वो बिजनेस में है। आई एम फ्रॉम अ जैन बिजनेस फैमिली, तो हमारे यहाँ भाई का तो बिजनेस सेटल है, बट मेरे लिए नहीं था कुछ ऑप्शन, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आ गई एंड मैं वहीं से अपनी स्कूलिंग कॉलेज सब मेरा वहीं से हुआ है। मैं DAV स्कूल से पढ़ी हुई हूँ एंड मेरा जो होम टाउन में मेरा लोकल जो कॉलेज है, मैं वहीं के कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है, BCom किया है मैंने। मेरा अभी तक सिर्फ ग्रेजुएशन हुआ है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, एंड उसके अलावा अभी तक मैंने कोई PG या ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसके बाद मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन में लग गई एंड यस, उसके बाद मेरा जब भी सिलेक्शन हो गया, तो फिर अभी मैं प्रिपरेशन की जर्नी में ही हूँ। अब मैं कुछ मास्टर्स और ऐसा कुछ प्लान नहीं किया अभी तक मैंने। मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2021 में, जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था 2021 में, तभी स्टार्ट किया था। और या नेक्स्ट है प्रज्ञान पाही का, दी टेल अस अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी, वॉज योर पेरेंट्स सपोर्टिव, डू यू हैव फ्रेंड्स दैट टाइम, डू यू फेल्ट लोनली समटाइम्स एट दैट प्रिपरेशन फेज, बेसिकली आई वॉन्ट टू नो दैट आप कैसे एनवायरमेंट में तैयारी कर रहे थे। सो यस, अपनी प्रिपरेशन जर्नी की बात करूं तो मैं हमेशा से अकेले थी, अकेले ही मैंने प्रिपेयर किया है यूट्यूब के थ्रू और अपनी पूरी दिमाग का यूज़ करके जितना मैं कर सकती थी। मैं स्टडीज़ में हमेशा से एवरेज या अबव एवरेज थी, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग नहीं थी कभी भी, मैं हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं थी। पढ़ लेती थी जब पढ़ने बैठती थी, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, तो प्रॉब्लम यही थी कि मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, तो मेरे मार्क्स कैसे आएंगे और ये कैसे होगा। तो मैंने वो चीज़ों पर काफ़ी वर्क किया और अपने आप को पढ़ना सिखाया कि प्रेरणा जो क्वालिटी मेरे अंदर है, मतलब मैं अच्छा पढ़ सकती हूँ, तो आई शुड यूटिलाइज इट फुल पोटेंशियल के साथ। एंड यस, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, तो नहीं थे मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव। मैंने अपनी स्टोरी भी शेयर की थी कि मैं क्लैट की तैयारी कर रही थी 12th के बाद, तब मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे क्योंकि मैं क्लैट की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब मेरा क्लैट क्लियर नहीं हुआ उसके बाद सिचुएशन काफ़ी बदल गई एंड मैं वहीं से अपने लोकल होम टाउन से ग्रेजुएशन की। और मेरा नेक्स्ट जो प्लान था मेरे पेरेंट्स के हिसाब से, वो मेरी मैरिज का ही था कि शादी ही करेंगे, और जैसा मैंने बताया मैं जैन बिजनेस फैमिली से हूं, तो काफी आइसोलेटेड थॉट प्रोसेस होता है, काफी मतलब एकदम थॉट
थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा, एंड इसलिए मैं काफ़ी अकेले थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान. फ्रेंड्स भी नहीं थे क्योंकि सब लोग 12 के बाद ऑलमोस्ट बाहर चले गए थे, क्योंकि मेरा होम टाउन बहुत छोटी सी जगह पे है. सब कोई बाहर से इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, नहीं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बाहर से ही कर रहा था. बट मैं अकेले ही वहाँ रह गई थी अपने होम टाउन में कॉलेज करने वाली, और कॉलेज भी जाओ नहीं जाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था. तो मैंने डाला तो रेगुलर ही था, फॉर्म मैं रेगुलर डाली थी, लेकिन मैं घर पर ही रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम. मैंने कॉलेज भी ज़्यादा कुछ अटेंड नहीं किया, एग्जाम देने जाती थी बस. तो प्रिपरेशन मेरा अकेले रहा है और इसलिए मैं लोनली भी बहुत ज्यादा फील करती थी. मैंने बहुत बार लोनली फील किया है, बट ऐसा था कि जब ना जिंदगी में कुछ खोने के लिए नहीं रहता ना, मतलब क्या ही होगा. अगर मैं अपना टाइम दे रही हूँ इस चीज़ को, क्या होगा. अगर कुछ होना होगा तो अच्छा हो जाएगा, और अच्छा मेरे साथ हो गया. कुछ बुरा होने के लिए तो वैसे ही कुछ नहीं बचा था. बुरा इससे वर्स्ट और क्या होगा, जिस फेज में मैं अकेले पड़ी हूँ अपने रूम में तैयारी कर रही हूँ. सो या मेरा एनवायरमेंट काफ़ी नेगेटिव था, एंड आई बिलीव, आई नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, और आई बिलीव कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो. स्पेशली गर्ल्स के साथ थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और सब रहता है, बट इफ़ आई कैन देन यू कैन टू. सो प्लीज़ keep going ahead. नेक्स्ट कॉमेंट है अमन का. कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी, थैंक यू एंड नमस्ते. काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आई. हाँ, उस वक्त काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी, बट अब मैंने डाल दिए कई वीडियोस. सो ओके, नेक्स्ट कॉमेंट है प्रिया राठौड़ का. 860. ओके, आई हैवन क्लियर बैंकिंग एग्जाम फ्रॉम लास्ट ईयर्स इन 2022-23. आई हैव क्लियर प्री एग्जाम्स RRB PO क्लर्क एंड SBI क्लर्क एंड रिजल्ट कुडंट क्लियर फॉर जस्ट 0.5 to 2 मार्क्स. What should I do? Focus on pre first or do mains with pre as well? Please help. Okay. सो प्रिया, आपने अगर प्री में, आप कुछ पॉइंट से प्री में रह जा रहे हो, मतलब आप प्री के लिए तो बिल्कुल रेडी हो. थोड़ा सा आप एक्यूरेसी वगैरह कुछ रखते वहां जाकर, या थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करते, तो फॉर श्योर आपका प्री क्रैक हो जाता. तो मेरे हिसाब से आप प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल रेडी हो, एंड आपको अगर फोकस करना चाहिए तो आप प्री प्लस मेंस पूरा इंटीग्रेटेड फोकस करना चाहिए. प्री के मॉक लगाते रहो डेली, अगर कोई पोर्शन वीक है तो उस पर प्रैक्टिस करो. इसके अलावा आपको जो करना है वो मेंस की तैयारी करना है. मेंस का कॉन्टेंट आप मैक्सिमम में सॉल्व करो, एंड आप जितना ज़्यादा मेंस में फोकस करोगे प्री आपका अपने आप इंप्रूव हो जाएगा. और अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो अगर आपके पास गाइडली का PDF बंडल है तो आप वहां से डेली प्रीलिम्स का अगर कोई जा रहा है तो डेली प्री की प्रैक्टिस करो, और डेली मेंस की भी प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो. क्योंकि मैंने यही किया था जब मेरा प्री थोड़ा अच्छा हो गया था 70-80% पे, तो मैं प्री पे फोकस कम कर दी थी, डेली के क्विजेस लगाती थी और मेंस पे फोकस ज्यादा कर दी थी, तो मेरा प्री अपने आप ही 99% पे पहुंच गया था. तो आपको ये चीज काफी हेल्प करेगी, आप इसके साथ जा सकते हो. और अगर गाइडली का कुछ भी परचेज करना चाहो आप में से कोई भी, तो प्लीज सेव 12 मेरा कोड है, लगा लेना. मेरा कोड लगाने से आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा. मैंने अच्छे ब्रांड्स के साथ ही कोलैब कर रखा है. अगर मैं वहां से कुछ भी ऑफर चलता है, कुछ होता है, मेरे कोड के थ्रू आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा. तो ये एक आपके लिए बेनिफिशियल ही है. सो यस, नेक्स्ट कमेंट है मनोज कुमार का. फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू. नेक्स्ट, क्या आप 2024 का IBPS PO एंड SBI PO टारगेट करेगी? तो मैं पर्टिकुलरली IBPS PO SBI PO टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई विल फिल द फॉर्म्स. अब मैं, क्योंकि दो बार मैं दे चुकी हूँ PO के एग्जाम्स, तो मैं फॉर्म तो फिल करूंगी, क्योंकि मैं इंटरव्यू तक जा चुकी हूँ. तो मेरा बिल्कुल विश है कि मैं एक बार PO क्लियर फॉर श्योर करूँ. RBI ग्रेड बी से मैंने दूरी क्यों बना रखी है, राइट? नेक्स्ट है कि और आपने RBI ग्रेड बी रेगुलेटरी बॉडी से दूरी क्यों बना रखी है? अगर आप PO 2024 टारगेट करेंगी तो कंसिस्टेंटली गाइड करेंगी कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रही हैं. साथ में आई एम इन रिजर्व लिस्ट ऑफ IUPS क्लर्क नाउ. ओके, सो आई होप कि आपका रिजर्व लिस्ट क्लियर हो जाए. बिल्कुल आप डिजर्व करते हो. अगर आप रिजर्व लिस्ट में आए हो, मतलब थोड़े पॉइंट्स रह गए होंगे, एंड आई रियली विश कि आपका क्लियर हो जाए. मैंने रेगुलेटरी बॉडी या RBI ग्रेड बी से दूरी इसलिए बना ली क्योंकि आई नो मैं पोस्टर लगा रखी थी RBI का. मेरा 2 साल से, जब से मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से मुझे था कि RBI में जाना है, बिकॉज बैंकिंग में सबसे बड़ा एग्जाम वो ही है, एंड उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है. तो तब मेरा एम बहुत था वो. लेकिन जैसा जैसा मुझे अवेयरनेस आया और जितना मुझे पता चला और जो मैंने समझा कि रेगुलेटरी बॉडीज में जाके ना आपकी लाइफ काफी, मतलब आप बहुत पर्टिकुलर हो जाते हो. जितना मैंने देखा है RBI ग्रेड बी में अगर कोई सेलेक्टेड है, या मतलब बहुत ज्यादा लोगों का यूट्यूब चैनल करना, या फिर बहुत ज्यादा आप पब्लिक फिगर टाइप का आई थिंक नहीं बन सकते, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड विद टाइम जब मैंने रियलाइज किया कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, मैं अपनी लाइफ से क्या चाहती हूँ, और जैसी मैं पर्सन हूँ, मेरा हमेशा से ना ये
शौक रहा है लोगों की हेल्प करने का। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी ना अपने फ्रेंड्स की इधर उधर हर चीजों में मैं हेल्प करती थी। अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता था तो मैं बना बना के अपने फ्रेंड्स को सिखाती थी कि वो क्वेश्चन को कैसे बनाना है। और बहुत बार इसके चक्कर में मुझे धोखा भी मिला है क्योंकि मैं कईयों की हेल्प कर देती थी एकदम, कोई एक पूछे तो मैं 10 बताने वालों में से हूँ। और मैं हमेशा से हेल्प करती आती हूँ लोगों की, और कई बार इसने मुझे धोखा भी मिला है क्योंकि हर कोई इतना जेन्युइन नहीं होता है, लोग अपना काम निकलवा के निकल लेते हैं, तो ये सारे हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं। बट नंदलेस मैं स्टिल हेल्प करती रहती हूँ लोगों की। एंड मेरा यूट्यूब चैनल है और ये सब है, तो मुझे अपनी ये लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार है। और अगर कल को मैं RBI में या SEBI जैसे एग्जाम्स क्लियर करके मैं उसमें सेलेक्ट हो जाऊँ और मुझे ये बोला जाए कि आप ये आगे नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली आप इतने बड़े, मतलब आप इंडिया के सेंट्रल बैंक में काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दे विल बी पर्टिक्यूलर कि उनका हर एक एम्प्लॉय क्या कर रहा है कैसा है। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया, और मेरा एक फ्रेंड है वो RBI असिस्टेंट में सेलेक्टेड है, तो वो पहले स्टैंड अप कॉमेडी और ये सब किया करता था मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे, लेकिन जब से वो RBI में सेलेक्ट हुआ है उसने अपना चैनल डिलीट कर दिया, पेज डिलीट कर दिया, और अब वो बहुत ज्यादा सोशल हो गया अपनी लाइफ को लेकर। सो इसलिए मुझे जितना समझ में आया है, मुझे लगता है कि आप ऐसी लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, और मैं बिल्कुल ये लाइफ छोड़ना नहीं चाहती जो मैंने इतनी मेहनत से अर्न किया है। तो इसलिए मैंने अभी तो फिलहाल टारगेट नहीं किया है RBI ग्रेड बी का। और अगर मैं बताऊं कि मेरा क्या टारगेट रहेगा 2024 में, तो वो है SSC CGL। मैं पूरे दिलो जान से SSC का तैयारी कर रही हूँ। जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस टाइम पे, जब मैंने रिसर्च किया था बेसिकली 2021 में, तब ऐसा था कि SSC में बहुत ज़्यादा लेट प्रोसेस होता था सिलेक्शन का, 3-3 साल लग जाते थे सिलेक्शन होने में, पूरा प्रोसेस होने में बेसिकली 3 या 4 टायर्स तक तो उनका एग्जाम होता था। एंड तब मुझे जल्द से जल्द जॉब चाहिए थी क्योंकि जैसा मैंने आपको अपना एनवायरनमेंट बताया, मेरा जैसा घर का प्रोसेस था, तो मुझे ये था कि मैं उस एनवायरनमेंट से जल्द निकलूं। एंड बैंकिंग की रिक्रूटमेंट्स बहुत जल्दी होती थी, तो मेरा तब यही एम था कि मैं जल्द से जल्द जॉब ले लूं और मैं निकलूं, नहीं तो मेरी शादी ना हो जाए कहीं। एंड इसलिए मैंने बैंकिंग तब चूज कर ली थी। लेकिन अब 2022 से आई थिंक SSC का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। एंड SSC में जो भी पोस्ट है, जितनी भी पोस्ट है, वो मुझे बहुत एडमायर करती हैं। बेसिकली मेरा इच्छा है कि मैं इनकम टैक्स में जाऊँ। सो यस, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जो समझा है, अब मेरा जो टारगेट है 2024 के लिए वो SSC CGL है फॉर श्योर। लेकिन मैं PO के एग्जाम दूंगी क्योंकि एक बैकअप मैं देना चाहती हूँ। और मैं आपको ना बहुत ज्यादा नहीं बता सकती अभी पर्सनल लाइफ में मेरे साथ क्या कैसा चल रहा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग। एंड मेरी पूरी फैमिली मेरे यूट्यूब से कनेक्टेड है, बहुत सारे नोन्स लोग भी मेरे यूट्यूब से कनेक्टेड है। मैं बहुत ज्यादा बता दूंगी तो थोड़ा सा काफी बड़ा हो जाएगा मैटर। इसके अलावा मैं एक चीज बताऊं तो अभी मैं फुल टाइम SSC के लिए प्रिपेयर कर रही हूं, और मेरा यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं। और यस, अभी मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ। एंड या मनोज, मैं डेफिनेटली गाइड करती रहूंगी, जैसा मैंने बोला कि अभी मैं फुल टाइम एस्पिरेंट हूँ और उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है। सो यस, मैं अभी यूट्यूब कर रही हूँ, इसके अलावा तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब ही है। तो यस, नेक्स्ट कॉमेंट है कोमल तिवारी का, गुड लक प्रेरणा, थैंक यू, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। अब सबको रिप्लाई मिल रहा होगा जो बोलते थे एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाएगी, नहीं निकाल पा रही, क्या ही कर पाएगी। करेक्ट, अब मुझे बहुत ज़्यादा उस मामले में रिस्पेक्ट मिलती है। बहुत लोग बोला करते थे कि, मतलब बहुत लोगों का ये परसेप्शन था, लाइक मेरे जो कजन थे, तो कोई मेडिकल कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, और किसी का तो मतलब मेडिकल कॉलेज में भी हो गया, कोई इंजीनियरिंग, IIT JEE, सबका कुछ ना कुछ चल रहा था, और एक मैं ही थी जो घर पे रह गई थी और BCOM कर रही थी। तो लोगों की नज़र में वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और लोगों का यही लगना था कि भाई इससे तो एक एंट्रेंस नहीं निकला। बट यस, आई चेंज दैट परसेप्शन। जब मेरा SBI में हुआ था तो हर जगह इतना शोर हो गया था कि प्रेरणा का कैसे हो गया SBI में। मेरा निकनेम डिम्पी है, तो पूरे घर पे ऐसा था कि डिम्पी का कैसे हो गया SBI में, मतलब घर पे रह के कैसे निकाल ली। और हाँ, पूरे फैमिली में था, लोगों को पता भी नहीं था कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ। मैं एकदम चुपचाप अपनी तैयारी कर रही थी, घर पे भी बोल दिया था मम्मी को कि किसी को नहीं बताना है, और इवन मेरे पापा को भी काफ़ी टाइम तक नहीं पता था कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ चुपचाप से। और जब मैं एग्जाम देना चालू की, देने जाने लगी, तब उनको थोड़ा पता चला कि अच्छा, ये दे रही है, बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रही है। बट उनको तक ट्रस्ट नहीं था कि मैं क्लियर कर पाऊंगी, बट आई डिड इट। सो या, नेक्स्ट है प्रज्ञान पाही का, इन विच एज यू क्लियर्ड योर फर्स्ट बैंकिंग एग्जामिनेशन। सो मैं जब 21 साल की थी तब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, और उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो जब मैं 22 साल की थी तब मैंने सारे एग्जाम्स दिए थे, SBI क्लर्क 2022 वाला दिया था। लेकिन मेरा बर्थडे आता है जनवरी में, तो जनवरी 2023 में मैं 23 साल की हो गई थी। रिजल्ट आया था फरवरी में,
रिजल्ट आया था मार्च में, आई गेस एसबीआई क्लर्क 2022 का। तो ऑफिशियली मैं 23 साल की थी जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, लेकिन जो मैंने पूरी प्रिपरेशन की है तो मैं 22 साल की थी तब, और 22 साल में ही मैंने वो एग्जाम सारे दिए थे। मैं ये मानती हूँ कि मैंने 22 साल की उम्र में एक एग्जाम क्रैक किया है। कॉमेंट है लिंशी का, इन विच ईयर यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम व्हेन यू क्लियर्ड एंड व्हाट्स योर एज नाउ, वेयर आर यू फ्रॉम। सो मैंने बता दिया मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन 2021 के सेप्टेम्बर राउंड से, आफ्टर माई ग्रेजुएशन। मेरा ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट हो गया था अगस्त में, समथिंग रिजल्ट भी आ गया था। एंड मेरी अभी एज है 24 साल की, मैं जनवरी में अभी 24 साल की हुई हूँ, लेकिन एग्जाम मैंने क्लियर किया था जब मैं 23 साल की थी। सो या नेक्स्ट कमेंट है कल्याणी का, फॉर विच एग्जाम विल यू प्रिपेयर दिस ईयर। आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि मैं एसएससी का मेन फोकस करने वाली हूँ। एंड मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रही कि अभी आप लोग अपना फील्ड चेंज करो या मुझे देखे कोई इंस्पायर मत होना। आप लोग चाहे तो एग्जाम का फॉर्म डाल सकते हो साथ में, बट ऐसा नहीं है कि आपको बैंकिंग छोड़ के अभी उस पर जाना है। बिकॉज एक चीज जब आप क्लियर कर लो, एक चीज आप हासिल कर लो, तब आप दूसरे पे जाने का कोशिश करते हो कि यार एक मिल गया अब मुझे ये चाहिए। तो अभी जहां पे हो, जो एम बनाया है वही आप लोग कंटिन्यू रखो। एक चीज पा लोगे ना तो उसके बाद बिल्कुल मेहनत करना कि यार अब लाइफ में और ग्रो करना है, अब दूसरी जगह जाना है। अभी इसे अगर आप मेरा देखे चीजें स्विच करोगे तो आप मेसअप कर बैठोगे। प्लीज ये मत करना, आई विल नॉट नेवर रिकमेंड यू। नेक्स्ट कमेंट है ऋषिकेश सिंह का, आई एम अभिषेक फ्रॉम वाराणसी। आई डन माय एजुकेशन बैकग्राउंड सिंपल मास्टर ऑफ आर्ट्स 2019 विद ज्योग्राफी, बैचलर ऑफ आर्ट्स 2015 52%। ओके, ज्योग्राफी इकोनॉमी सोशियोलॉजी आपके सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। 2019 टू 2023 फाइव ईयर्स गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, ओके। बैंक में कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बैंक में जितने भी नॉर्मल ग्रेजुएशन बेस्ड जो भी आपके फॉर्म आते हैं, बेसिकली जो मेन 6 एग्जाम है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, इनके लिए आप फॉर श्योर अप्लाई कर सकते हैं। और इंश्योरेंस एग्जाम्स भी होते हैं, आरबीआई का आरबीआई असिस्टेंट भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इवन आरबीआई ग्रेड भी कर सकते हो आई थिंक, क्योंकि उनमें उसमें भी आपको नॉर्मल बैचलर्स डिग्री ही चाहिए। और आप बेसिकली जो भी जिसमें भी नॉर्मल बैचलर्स डिग्री चाहिए आप वो सारे फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है एच डी के डी जे डी, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन। माई क्वेश्चन इज, क्या एस बी आई क्लर्क ज्वाइन करना वर्थ इट है? सो येस, बिल्कुल एस बी आई क्लर्क ज्वाइन करना वर्थ इट है। अब तो सैलरी भी इंक्रीज हो गई है। पहले हम लोगों की सैलरी जो थी 36,000 अप्रॉक्स बनती थी, और अब सैलरी बढ़ के 40+ हो गई है। सो 4 से 5 5,000 समथिंग आपका बड़ा एस बी आई क्लर्क में ओवरऑल मैं बताऊँ तो। और येस, ऑफिसर्स का तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, 10-12,000 इंक्रीज हो गया, लेकिन क्लरिकल लेवल पे आपका डिसेंट अमाउंट इंक्रीज हो गया है। 40+ आपको सैलरी मिलेगी एंड एस बी आई इज अ बिग ब्रांड। और इसमें आगे अगर आपको इसी में ही कंटिन्यू करना है, आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, बस अपनी जॉब करनी है और अच्छी जिंदगी जीनी है, आगे का कोई एम नहीं है, तो फॉर श्योर ज्वाइन कर लेना चाहिए। आगे प्रमोशन एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी आपकी स्टेबल लाइफ रहेगी। ऑफिसर बनने के बाद मेडिकल अलाउंसेस, फैमिली का पूरा खर्चा, बहुत सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएंगी, मेडिकल अगर आपको कुछ हो जाए किसी को तो यस, आई थिंक इट इज वर्थ इट। नेक्स्ट कमेंट है जसीम 26 का, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ मेंस के लिए, प्री के लिए, सब के लिए मेरे वीडियोस बनते रहते हैं। सो या आपको जिस भी एग्जाम के लिए जो भी डाउट होगा आप मेरे वो वीडियोस गो थ्रू कर सकते हो। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आपको मेंस के लिए पहले अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रांग करना पड़ेगा, एंड उसके बाद में आप मॉक्स लगाओ, क्विजेस लगाओ, सेल्फ प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब बिल्ड करो और चीजें अपने आप ही इंप्रूव हो जाएंगी। सो या ये शॉर्ट में आपकी अप्रोच होगी। नारायण मोहंती, ओके व्हाट अबाउट एस बी आई जे रिजल्ट, व्हेन डू वी एक्सपेक्ट द रिजल्ट? ओके, सो एस बी आई जे रिजल्ट आई थिंक यार जून में ही आएगा, बिकॉज एस बी आई के कई एग्जाम्स पेंडिंग है, और लद्दाख में और से कहीं पे एग्जाम होना बाकी एस बी आई क्लर्क मेंस का जितना मुझे पता चला है, और आई थिंक पूरे एग्जाम्स होंगे उसके बाद ही वो लोग रिजल्ट कंक्लूड करेंगे। सो या आई थिंक जून में ही आएगा आफ्टर इलेक्शन। नेक्स्ट कमेंट है तेजाश्री फुलकर, ओके आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड इन एसबीआई और आफ्टर रीचिंग 40K सब्सक्राइबर्स व्हेन यू फील हैप्पीएस्ट? सी आई फील द हैप्पीएस्ट जब मेरी जॉब लगी थी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि तब मेरी लाइफ एकदम एक चुटकी में बदल गई थी। वो पीडीएफ में मेरा रोल नंबर आया एंड देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अब मैं एसबीआई में काम करूंगी, और इसलिए तब से मेरी लाइफ जो बदली है, और उस जॉब के कारण मेरा यूट्यूब चैनल बन पाया है, मैं लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। सो डेफिनेटली मैं एसबीआई में सेलेक्ट हुई थी, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन ये चीज़ भी मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है कि मैं यूट्यूब में ग्रो कर पा रही हूँ और मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। सो या बट आई वॉज द हैप्पीएस्ट जब मेरा एसबीआई में सिलेक्शन हुआ था।
नेक्स्ट कमेंट है गेम चेंजर का, अपडेट ऑन सैलरी आफ्टर 12th बायपार्टाइट सेटलमेंट लाइक ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी अलाउंसेस. ओके, मैं कोशिश करूंगी मैं सैलरी स्लिप के साथ एक वीडियो बना पाऊँ. मैंने आपको जैसा बताया ओवरऑल 4-5 हज़ार रुपए बढ़े हैं क्लर्क में, एंड ये जो मैं बता रही हूँ 4-5 हज़ार बढ़े हैं क्लर्क में, तो ये आपकी नेट सैलरी है जो इन हैंड आपकी बढ़ के आ रही है. ग्रॉस तो आपका इससे ज्यादा इंक्रीज और ओवरऑल हो गया होगा आई थिंक, तो मुझे अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा. आई अपलोड अ वीडियो सैलरी स्लिप के ऊपर. कॉमेंट है आकाश श्रीवास्तव का, डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बट समटाइम्स आई फील वेरी लो एंड मेरी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं रुक जा रही है. रीजंस कुछ ना कुछ होते हैं एंड आई फील इट्स गेटिंग वेरी वर्स्ट एंड मुझे गिल्ट होता है. बाद में खुद को मोटिवेट करता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ और फिर कहीं ना कहीं रुक जाता हूँ. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स रॉन्ग आई एम डूइंग. डू यू हैव एनी सोल्यूशन टू दिस? ओके, सो आकाश, आई थिंक ये चीज़ तो सबके साथ होती है. मैं भी बहुत रो रो के, मतलब मैंने पूरे प्रिपरेशन जर्नी में बहुत रोई हूँ, बहुत टूटी हूँ, बहुत डिमोटिवेट हुई हूँ और अभी भी होती हूँ. जैसा मैंने आपको बताया कि मैं स्ट्रगल कर ही रही हूँ स्टिल किसी ना किसी चीज़ पे. सो यस, इट हैपन्स विद एवरी वन, बट वॉट मैटर्स इज कि आप उसके बाद खड़े हो जा रहे हो खुद को पुश करके एंड आप खड़े होके उस चीज में वापस लग जा रहे हो. आप गिव अप करके पूरा महीना वहीना एकदम एक महीना निकाल दिया है, पढ़ा नहीं ढंग से, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है. अपने आप को पुश कर करके कर करके टेबल पे बैठाओ, पढ़ाई करो एनी हाउ एंड यस, अगर आप चलते रह रहे हो रुक नहीं रहे हो तो आपको आपका मंजिल मिल ही जाता है. सो आई थिंक ये सबके साथ होता है. सोल्यूशन यही है कि खुद को कैसे भी मोटिवेट करो, पेरेंट्स के बारे में सोचो या जहां से मोटिवेशन मिलती है ना, जिसको देख कर ऐसे लगता है कि यार मुझे इसके लिए पढ़ना है या मुझे अपनी सिचुएशन बदलने के लिए पढ़ना है, तो ये सब सोच के खुद को इंटरनली मोटिवेट करो. एंड कभी कभी बहुत ज्यादा लो फील हो तो आप YouTube के थ्रू एक्सटर्नल मोटिवेशन भी ले सकते हो ताकि थोड़ा आपको अच्छा फील हो और आप आगे पुश कर सको खुद को, क्योंकि मैं ये किया करती थी. सो या यू कैन ट्राई दिस. कमेंट है बाबा श्याम का, आप अभी इस टाइम कौन सी पोस्ट पे हैं? SBI PO? नहीं, SBI PO तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, SBI JA सेलेक्ट हुई थी मैं एंड या दैट्स इट. नेक्स्ट है सोनत का, दी वेयर आर यू फ्रॉम? सो मैंने आपको बता दिया मैं छत्तीसगढ़ बालोद डिस्ट्रिक्ट से हूँ. नेक्स्ट कमेंट है इमैनुअल दिबराम समथिंग, ओके, यू विल अर्न मोर विथ यूट्यूब देन द सैलरी ऑफ PO, कैरी ऑन. थैंक यू वेरी मच. आई नो कि बहुत एक टाइम के बाद आप PO से भी बहुत ज़्यादा कमा लेते हो यूट्यूब से, लेकिन आप एजुकेटर, इसीलिए बहुत से एजुकेटर्स हैं जो एजुकेटर बनने के बाद में छोड़ दिए अपना जॉब ऑब्वियसली, बिकॉज वो यहाँ ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे, ये लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी उस लाइफ से. आई कैन अंडरस्टैंड दिस एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, हाउ वेयर आई विल एंड अप टू. सो या नेक्स्ट कॉमेंट है लिल हैवान का, ओके, लाइक आई वॉन्ट टू क्लियर RBI असिस्टेंट और SBI क्लर्क एग्जाम बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट स्पेशली इन इंग्लिश एंड GA. सो या RBI असिस्टेंट एंड SBI क्लर्क के लिए आपको कुछ अलग अलग नहीं करना पड़ता है, एक ही प्रिपरेशन आपकी जर्नी होती है, एक ही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है, उसी से दोनों क्रैक हो जाएंगे. आपको पता नहीं है इंग्लिश एंड GA से कहाँ से स्टार्ट करें, मैं अगेन यही बोलूंगी कि मैं वीडियोज पर्टिकुलरली बनाती रहती हूँ, आप मेरी वीडियोज गो थ्रू कर सकते हो, इंग्लिश एंड GA के ऊपर भी मैंने बना रखी है. एंड अभी इस वीडियो में अगर मैं ये सारे क्वेश्चन डिटेल में आंसर करने लगूँ तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा. सो या लास्ट क्वेश्चन है हैप्पी पूर्णिमा का, मैम BEd है पर उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है मेरे पास, डिग्री नहीं है, तो जब IUPS RRB की वैकेंसी आएगी तो उसमें BEd मेंशन करूं या नहीं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में डिग्री इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, लास्ट ईयर ही BEd किया है. पूर्णिमा, आई थिंक कि अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल मेंशन कर दो अपने BEd का, बिकॉज मुझे लगता है अगर आपने कुछ भी कर रखा है, आपका बैकग्राउंड, आपने इतनी मेहनत की है, तो आई थिंक वो आपको आगे शो करना चाहिए कि मैंने ये अचीव किया है. एंड मैं इंटरव्यू में भी, मतलब आपको एकदम ऑनेस्ट रहना चाहिए कि हाँ सर मैंने ये किया है. अगर मैं बताऊँ तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक डिग्री की. देखो जब आप फॉर्म फिल करोगे तब तो आपको नहीं कुछ डिग्री वगैरह शो करना पड़ेगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो DV के टाइम पे आपको आपकी डिग्री दिखानी पड़ेगी. तो या तो तब तक अगर आपके पास आपकी रियल डिग्री आपको मिल जाती है तो आप वो शो कर देना, आप अपने कॉलेज में बात कर सकते हो, और अगर नहीं मिलती है और आप वहां पे बता दो कि सर नहीं मिल रही है, अपने पास प्रोविजनल वाली ही है, तो आई थिंक दे विल बी ओके विद इट. इतना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि आपको ये छुपाना पड़े, अगर आप चाहो तो बिल्कुल शो कर सकते हो, और कोई भी रीजन से अगर आप नहीं चाहो तो आप ना मेंशन करो, इट्स अप टू यू. एंड इसमें रिप्लाई भी आया है कोमल का कि मार्कशीट इज इनफ, डिग्री विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन. सो या जैसा मैंने कहा कि आपका मार्कशीट से प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट दिस वीडियो. पूरे कॉमेंट्स मैंने आंसर कर दिए हैं, आई होप आप लोग सेटिस्फाइड हो. आप लोगों की कंप्लेन आती है मैम रिप्लाई नहीं करते हो, सो दिस वॉज अ Q&A वीडियो फॉर यू. एंड
और कुछ डाउट हो तो फिर कमेंट करना, ये वीडियो अच्छी लगे तो बताना। हम लोग इस तरह की वीडियो एवरी वीक या मंथ में दो बार इस तरह से प्लान करते रहेंगे ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिलते रहे। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। टेलीग्राम ग्रुप, मेरा दूसरा चैनल का लिंक, इंस्टा का लिंक, सब कुछ मैं नीचे प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड गाइडली का कुछ परचेज करना चाहो तो भी मैं नीचे लिंक डाल रही हूँ, आप सेफ टूल कोड यूज कर सकते हो एंड आप बिल्कुल उसके साथ जा सकते हो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।